यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब चलते हैं इसके ऊपर के इसमें हमने जो एक और तरीका है इस फॉर्म को बनाने का, वो ये है कि अभी हमने फी रजिस्टर बनाया था, तो फी रजिस्टर के अंदर हमने कितनी फील्ड्स को लुकअप पे रखा था, सारी फील्ड्स को लुकअप पे रखा था। तो यहाँ पे मसला आ रहा था स्टूडेंट रोल नंबर, नेम और फादर नेम में। अब ये तीनों अलग अलग करने पड़ते हैं, चाह रहे थे एक साथ हो जाए, ठीक है। तो बंद नहीं हो जाएगी, यहाँ से एम एस एक्सेस को फिर से बंद करके खोलते हैं हम, क्रैश हो गया वो। ओके, फी रजिस्टर को अभी हम इसको कर देते हैं रीनेम करके OLD, ओल्ड कर देते हैं, ठीक है। नया फी रजिस्टर बनाते हैं टेबल, और इस बार हम फी रजिस्टर में जो फील्ड्स दे रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाके न्यू फी रजिस्टर, ठीक है। सबसे पहले फील्ड ले रहे हैं रिसिप्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमें लेना है डेट ऑफ रिसीविंग, ठीक है। डेट टाइम लिख के इसकी जो डेटा टाइप है यहाँ पे ऑटो पे रख देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू में जाके। डेट फंक्शन पास कर देते हैं, उसके बाद डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ क्लिक करके लुकअप रिजल्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट कीजिएगा, देखिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ कि डेटा आएगा GR रजिस्टर से, तो कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है, रोल नंबर, ठीक है, फुल नेम, फादर नेम एंड क्लास पास, इन विच क्लास है। चार डेटा मैंने एक साथ लुकअप कर दिया इसमें, सही। नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे लिख दिया हमने सबमिट या कैंडिडेट नेम, ये आ गया डेटा, ठीक है। अब क्या करना है कि भाई अब वो बाकी चीजें तो वही आएंगी, जैसे चाहिए होगा। अब यहाँ पे हमें फी टाइप तो हमने बना रखी है, लुकअप करेंगे। फी नेचर नेम, नेक्स्ट नेक्स्ट, मंथ फॉर, फिर अमाउंट इन वर्ड्स, ठीक है, रिसीव्ड बाय, ठीक है, रिसीव्ड बाय लिखने की बल्कि जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो वहीं से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने वो ले लेते हैं वहां से लिकअप करके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इसका फॉर्म बनाते हैं फी रजिस्टर का, जो हमने अभी बनाया है न्यू फी रजिस्टर,
फॉर्म विजर्ड, और यहाँ से हम सारा डेटा लेते हैं। बन गया। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे देख रहे हैं आप, मतलब रोल नंबर भी आ गया, नाम भी आ गया और उसका वालिद का नाम भी आ गया, और ये 12 क्या है पता नहीं है, क्लास क्लास नहीं दिया। ओके ओके देखते हैं इसको, ये है क्या, ठीक है ना। अब ये पता नहीं क्या आया है, हो सकता है कोई गलत आ गया हो, 12 13, तो क्लास भी ऐड कर सकते हैं साथ में ना। तो बहरहाल ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी इधर कवर हो जाती हैं। अब फीस लेना इससे बेहतर हो जाएगा, मतलब आप यहीं से चूज कर लो कौन सी फीस है उसकी। तो इसने दिया है तो यहाँ पे कौन सी फीस दी है उसने, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करके मंथ और कौन से मंथ के लिए नॉट एप्लीकेबल है, कितना अमाउंट पे किया है, इस वर्ष 35,000 100 होनी चाहिए। रिसीव बाय में फ्लड कर लिया और ड्यू करके रिसीट जनरेट कर लिया। फिर इसी ने दी अपनी फीस को, अब किसी दूसरे ने दी, अब इसमें एक फंक्शन हमें ऐड करना है कि भाई अगर हम डिजिट्स में लिख रहे हैं तो टेक्स्ट में ऑटो जनरेट कर दे। डिजिट में हम लिख रहे हैं तो ये टेक्स्ट में ऑटो जनरेट कर दे, ये फंक्शन हमें इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। ये बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि पिछले जो फीस रजिस्टर दो हमने बनाए थे उस पर टाइप करने के बजाय, लुकअप करने के बजाय इस पर आसान हो गया। अब जो भी पे करेगा फीस उसका इजी मामला हो जाएगा। अब आते हैं इस फीस रजिस्टर का, एंट्री होती रहेगी, मामला चलता रहेगा। अब इससे हिसाब भी तो करना है ना, भाई कितनी फीस मिली, क्या मिला क्या नहीं करा। तो अब इस न्यू फी रजिस्टर का हम बनाएंगे क्रिएट करके एक अदद क्यूरी। अब ये जो एलिमेंट है ना क्यूरी, जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी, डेटा एनालाइजिंग होगी, वो क्यूरी पर होती है। क्यूरी विजर्ड, सिंपल क्यूरी, क्रॉस स्टेप, फाइल डुप्लीकेट, अनमैच क्यूरीज, मुख्तलिफ क्यूरीज होती है। और डेटाबेस से जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्यूरी को रन करते हैं। क्यूरी इज अ कमांड which is used to extract data या insert data into the database, या तो ये data से लेकर आती है database से data, या फिर data feed कर देती है। तो यहाँ पर new register में हम जाके इसको add करा देते हैं सारी चीज़ें, तो next and then next। और यहाँ पर हमसे कह रहा है summary वगैरह, मैंने कभी summary नहीं करी। तो यहाँ पर हमने कहा कि fee query, अब ये क्यूरी बनी है जो दिखाई देगी टेबल की तरह, लेकिन टेबल नहीं है ये, टेबल से क्रिएट हुई है, ठीक है। टेबल नहीं है ये, टेबल से क्रिएट हुई है, मतलब अगर आप इसको डिलीट कर देंगे इसको या फॉर्म को, तो टेबल को कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इस क्यूरी को खोलते हैं तो डेटा बिल्कुल आपको ऐसे ही दिखाएगा जैसे टेबल दिखा रहा होता है, बट इट्स नॉट टेबल। अब आप कहेंगे सर कैसे, एक तो देखो उसके कैटेगरी से फर्क पड़ रहा है, दूसरा जब आप इसको राइट बटन दबा के डिजाइन व्यू में जाओगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, और क्यूरी का जो डिजाइन व्यू होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। टेबल का अलग है और क्यूरी का अलग है। अच्छा अभी खोल के डेटा तो दिखा रहा है, लेकिन करना क्या है इसका। अच्छा
अच्छा देखो थोड़ा सा उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा राइट बटन दबा के डिजाइन व्यू के अंदर। डिजाइन व्यू में जाके हमें देखना है इसको बंद करने कि क्या दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए ये कह रहा है कि एक रजिस्टर है, फी रजिस्टर नाम है उसका। अगर आप डेटाबेस टूल्स में जाके यहाँ से कहते हैं कि ये रिलेशनशिप को शो करे तो ये काफी सारे टेबल्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, सारे शो टेबल्स हो ही रहे। और यहाँ पर डेटाबेस टूल्स में शो टेबल्स का तो ऑप्शन यहाँ नहीं रहा, स्टूडेंट डेटा में भी नहीं है, में नहीं है, डिजाइन में होगा। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन सेलेक्ट मैक टेबल, और भी ऑप्शंस आ रहे हैं शो एंड हाइड टेबल, टेबल्स शो टेबल और हाइड टेबल यहाँ से कर सकते हैं, हमारे अख्तियार में है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। अब ये बता रहा है कि देखो रिसिप्ट नंबर तो आ रहा है फी रजिस्टर में से, डेट ऑफ रिसीविंग भी, कैंडिडेट नेम भी आ रहा है फी रजिस्टर में से, सही है। टीचर नेम भी आ रहा है न्यू फी रजिस्टर में से। अब अगर हम यहाँ पे जाके इसको कहें कि हमें ऐड करना है टेबल, तो हम यहाँ पे कहेंगे शो टेबल, और यहाँ से हम एक टेबल ऐड करें फॉर एग्जांपल जीआर रजिस्टर, और हम ऐड करें किससे कनेक्टेड है ये, चलो फिलहाल जीआर रजिस्टर में देखते हैं। अब हम इससे कहें कि भाई ये जो जीआर रजिस्टर है ये क्या इनकी कनेक्टिविटी है आखिर आपस में, तो कह रहा है जीआर रजिस्टर लेफ्ट टेबल पर है और राइट टेबल पर फी रजिस्टर है। जीआर नंबर का जो कॉलम है वो कनेक्ट राइट कॉलम पर आ रहा है इसके कैंडिडेट टेबल पर, ठीक है। ओनली इंक्लूड रोज वेयर द जॉइंट फील्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स आर इक्वल, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम जीआर रजिस्टर्स एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम न्यू फी रजिस्टर वेयर द जॉइंट फील्ड्स आर इक्वल। ये मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं, तीन किस्म के जॉइंट्स होते हैं जो हम टेबल्स के दरमियान में लगा सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट कहते हैं इनको, लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन और इस तरह से इनके नाम है। ये कैसे काम करते हैं इनको समझेंगे हम पहले। अब हम यहाँ पे दो टेबल्स अब ऐड करा चुके हैं तो फिर रिसिप्ट नंबर आ रहा है इसमें, डेट ऑफ रिसीविंग जो आ रहा है यहाँ पे वो भी ठीक है, कैंडिडेट नेम जो यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पे हम जाके एक दो कॉलम और ऐड करा देंगे। चलो यहाँ नहीं आ रहे तो आखिर जाके ऐड करा लेते हैं, यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, जी आर रजिस्टर का टेबल सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे वहाँ से लिया जी आर नंबर, फिर जी आर रजिस्टर का टेबल लिया यहाँ से, और वहाँ से जाके लिया हमने उसका बस फुल लेंथ, फादर्स नेम, और अब क्यूरी को रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। रन करने के लिए दो तरीके, सेव कर लो, क्लोज कर लो, चलाओ उसको। तो डेटा देखिए क्लियर आ गया इसके ऊपर। कैसे क्लियर आ गया, देखिए बता रहा है कि कैंडिडेट जो हमने उस फील्ड ऐड कराई थी वो भी आ रही है, हटाना चाहे हटा देंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है 25 नवंबर को तीन एंट्रियां हुई हैं जिसमें रसीद नंबर एक, रसीद नंबर दो, रसीद नंबर तीन कटी है। रसीद नंबर एक कटी है 3500 रुपए की, जो कटी है किसके नाम पर, मोहम्मद आमिर के नाम, और उसका जी आर नंबर 101 है, और वो 9th क्लास का स्टूडेंट है। व्हाटएवर डेटा जो आपको उस टेबल से चाहिए वो आप ले सकते हैं जी आर रजिस्टर के टेबल। और इसी तरीके से बता रहा है कि 1001 पर मोहम्मद आमिर का दूसरी रसीद भी कटी है, उसका रसीद नंबर है 25 नवंबर को मंथली फीस की है, और उसका डेटा भी आपको यहाँ दिखा रहा है, क्लास का भी दिखा रहा है। अब ये हमने क्यों किया है अभी आपको समझ में आएगा, देखिएगा। अब ये तो हो गया सारा काम हमने यहाँ पे इस तरह से कर लिया। हाँ अभी भी अगर रिक्वायर्ड है कि भाई एक रसीद के ऊपर क्या क्या चीजें होती है, एक रसीद पर
अगर देखा जाए तो भाई स्टूडेंट का रोल नंबर होता है इधर है इसके ऊपर। हाँ भाई रोल नंबर 11 है, ठीक है। दूसरा रसीद नंबर होता है, नहीं आ रहा है। डेट होती है, आ रही है। फी टाइप होती है, हाँ एडमिशन है मंथली, आ रही है। महीने का नाम आ रहा है, ठीक है। अमाउंट आ रहा है, आ रहा है। वर्ड्स पे भी आ रहा है, रिसीव करने वाले का नाम भी आ रहा है। फिर अगर उसका जीआर नंबर अलग है वो भी होना चाहिए, अगर देना चाहे वो भी आ रहा है। फिर स्टूडेंट का नाम भाई वो भी आ रहा है, फादर नेम भी आ रहा है, और क्लास इन भी आ रहा है, आ रहा है डेटा। अब आपने यहाँ से पोस्ट किया, डेटा बिल्कुल सही आ रहा है। अब आप बनाएंगे इसकी क्रिएट में जाके रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? दो तीन ऑप्शन से रिपोर्ट विजार्ड से बना ले। अभी आपको सारा डेटा दिखा रहा है क्वेरी का। अब इसकी तरतीब आप चेंज कर सकते हैं, वॉट एवर जिस तरतीब में चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ भी कर सकते हैं, रिपोर्ट बनने के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे भाई? मिसाल के तौर पे भाई ये जो डेट ऑफ रिसीविंग के बाद कैंडिडेट है, ये रोल नंबर है बेसिकली, ये फी टाइप वगैरह उसके बाद आने चाहिए, तो इसको पहले वापस करें, इधर दे दें सबको भाई, ये सारा डेटा इधर आना चाहिए। अब यहाँ पे क्लिक करके इसको दोबारा ऐड करा लें, जैसे लेकिन वही ऐड हो रहा है, छोड़ दें फिर। अब इसको सबको ऐड करा लें, सबको वापस करें, सबको ऐड करा लें, नेक्स्ट करते। अब ये पूछ रहा है कि देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, डेटा दिखाए तुम्हें बाय जीआर रजिस्टर नंबर, या डेटा दिखाए तुम्हें बाय न्यू फी रजिस्टर। ये दोनों ही हमारे लिए काम के। पहले हम बनाते हैं बाय रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, और यहाँ पे कह रहा है कि भाई टॉप पर कौन सी फील्ड रखी जाए कि आपको आसानी हो समझने में। अगर बाय रजिस्टर जनरल रजिस्टर बना रहे हैं तो अभी हमने कहा टॉप पे कोई फील्ड नहीं रखो, उसी को टॉप पे रखो। यहाँ पर हमने कहा किसी की कैटेगरी नहीं बनाओ, स्टेप रिपोर्ट बना दो और पोर्ट्रेट में बनाओ या लैंडस्केप में बनाओ। अब ये लिख रहे हैं हम फी बाय जी आर रजिस्टर फिनिश। ये देखें इसने हमें रिपोर्ट बना के दे दी। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वाकई कमाल है, अगर ये दीगर किसी सॉफ्टवेयर पे किया जाता तो पहले तो रिपोर्ट डिजाइन की जाती, और अगर वो डिजाइन हो जाती तो उसको कनेक्ट किया जाता, डेटाबेस आनी चाहिए, फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती, सी शार्प या विजुअल बेसिक या जावा, तो वो कनेक्टिविटी में यूज होती, फिर जाके ये ऐसा काम होता। तीन तीन जगह प्रोग्रामिंग, ये इसने खुद बना दिया। अब ये है क्या आप समझ गए? देखिए ये बता रहा है कि जीआर नंबर है 1001, स्टूडेंट का नाम है मोहम्मद आमिर, बाप का नाम है मोहम्मद नासिर, 9th क्लास का स्टूडेंट है। यहाँ पे बता रहा है रसीद नंबर 2 और किस तारीख को, रोल नंबर और उसके वाला किस टाइप की है, कौन से महीने की है, सारी डिटेल दे रहा है जो उसकी मिली है, ठीक है। भाई इसकी दो फीस मिली है तो इसके दो रिकॉर्ड दिखा रहा है, इसकी एक फीस मिली है तो उसका एक रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब इसको क्लोज करते हैं, एक एंट्री और कर देते हैं। तो हमने क्या रखा था नाम, न्यू फ्यू रजिस्टर, यहाँ से क्लिक किया न्यू, क्लिक किया यहाँ। अब इसने एक और फीस पे करी, देखिए क्लिक पे काम हो रहा है ना, इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा तो फिर इसके भी लिखना नहीं पड़ेगा। ये आ गया, सेव कर दिया मैं, कंट्रोल एस। अब आप रिपोर्ट खोलें जाके तो देखें, आपको दिखा रहा है कि भाई इसकी दो फीस मिली है और इसकी भी दो मिली है, एडमिशन मंथली मंथली एडमिशन। अच्छा अब इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा और बेहतर करना है, तो इस पर राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू में चले जाएंगे। अब डिजाइन व्यू में जब आएंगे तो थोड़ा सा और फोकस करना होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले टाइटल लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे टाइटल? फी रिपोर्ट बाय रोल नंबर,
बाय स्टूडेंट, फी रिपोर्ट बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के हिसाब से रिपोर्ट बना रहा है ना ये। तो यहाँ पे जाके फॉर्मेट में हम इसको कर देते हैं 24, सेंटर कर देते हैं। ये आसानी से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब आती है बात कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको करनी पड़ेगी रिपोर्ट में ताकि सही तरह सारी चीजों को दिखाता रहे। तो एक तो चेंज इसमें करने की ये कि जो डेटा छुप रहा है वो कौन सा छुप रहा है, इसको रिपोर्ट व्यू में करके देख लें। ये जो डेट है ये छुप रही है, इस पर राइट बटन दबा दें, दोबारा डिजाइन व्यू में चले जाएं और यहाँ पे देखिए डेट आ रही है। अब डेट छुप क्यों रही है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा जगह है नहीं हमारे पास आगे, तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, फॉन्ट साइज एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो हम इसको थोड़ा सा रसीद नंबर वाले को पीछे ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और ये ऊपर वाली है लाइन, क्योंकि अभी हमारे पास इसमें स्पेस ज्यादा नहीं है देने के लिए। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आ रहा हो रैप टेक्स्ट का तो देखते हैं, रेंजेस में आ रहा हो शायद, तो कुछ साइजिंग नोट है। तो अगर इसमें नहीं आ रहा है तो आप खुद से फिर इसको रैप कर ले, पेज का हेडर सेक्शन नीचे किया, रिसिप्ट नंबर को आपने कैसे लिखना है, RECPT, रिसिप्ट, RECPT, रिसिप्ट, और शिफ्ट के साथ एंटर दबा देना। ये बन गया रिसिप्ट नंबर। अब डेट ऑफ रिसीविंग, रिसीविंग शिफ्ट एंटर डेट, ये देखें रिसीविंग डेट इसके साथ सेटअप हो गया। फादर्स नेम वाले सेक्शन को थोड़ा कम कर लें, इसको थोड़ा सा इस साइड पे खिसका लें, इसको थोड़ा सा और खिसका लें। Just only class, क्योंकि ये तो levels हैं, इनको आप change कर सकते हैं। Okay, अब इसको report view में देखते हैं जाके। नीचे वाला ऊपर वाला तो काफी set हो गया, लेकिन नीचे वाले में भी error है। GR number थोड़ा सा disturb हो गया, तो यहाँ पे click करके design view में GR नंबर को हम इजीली यहाँ क्लिक करके GR को इधर रहने देते हैं, शिफ्ट एंटर का नंबर को नीचे कर देते हैं। या इसका एक और सोल्यूशन भी है हमारे पास, GR के आगे जस्ट हैश लगा दें, तो इसका मतलब नंबर ही होता है, ठीक है। अब ये डेट वाला कॉलम छोटा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देते हैं, इसके बराबर लिया है। देखिए कुछ फर्क पड़ा उस पर, कोई फर्क नहीं पड़ा, डेट काफ़ी बड़ी है और वो इस पर एडजस्ट नहीं हो पा रही। रसीद नंबर भी लाजमी चाहिए हमें, क्योंकि रसीद नंबर के बगैर काम नहीं चलेगा। क्लास का नाम भी लाजमी चाहिए, पूरी जगह तो है लेकिन फिर देखना पड़ेगा उसके यहाँ पे क्लिक करके। दूसरा ये कैंडिडेट नंबर जहाँ लिखा हुआ आ रहा है नेम, उसको हटा के यहाँ पे कर दे रोल नंबर। अब ये रोल नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो ये हमें थोड़ा इरिटेट कर रहा है। अब जो डेटा हम चाहते हैं रिपीट ना हो तो उसकी पोजिशन चेंज करनी होगी, मतलब GR नंबर के बाद अगर रोल नंबर एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो अगर आप इसको पकड़ के यहाँ से मूव करें तो इसका लेवल मूव हो रहा है, नहीं हो रहा। लेवल को मूव करते ही मूव हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक। अलग अलग मूव करना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ये रोल नंबर है और यहाँ से रोल नंबर को इसको इधर रख देते हैं, यहाँ पर जगह बनेगी। फिर ये रिसीविंग वाला इसके साथ आ जाएगा और शिफ्ट नंबर इसके साथ आ जाएगा और यहाँ पे ये इसके साथ आ जाएगा और ये वाला जो है इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अच्छा, इसको कंट्रोल करने का आसान तरीका है कि जैसे कि आप कहाँ चाह रहे हैं इसको एडजस्ट करना, जैसे मैं यहाँ चाह रहा हूँ एडजस्ट करना, तो
यहाँ मेरे पास जगह है तो मैं इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं समझता हूँ इतना काफी है, इतने में आ जाएगा होटल में। तो रोल नंबर जो लिखा हुआ है, होल रोल हैश, हैश मीन्स नंबर, ठीक है, उसको ऑटो एडजस्ट कर दिया हमने। ठीक है, और इसमें नंबर ही आने तो इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दिया, क्योंकि डेटा में आता रहेगा, डेटा रिफ्रेश होता रहेगा आगे पीछे, तो इसको हमने जीआर नंबर के साथ सेट कर दिया। तो ये थोड़ा सा चेंज करने के बाद आप देखेंगे रिपोर्ट का व्यू जो है, रोल नंबर पहले आ गया, जीआर नंबर आ गया, स्टूडेंट का नाम आ गया, उसके वालिद का नाम आ गया, क्लास आ गया, रिसिप्ट नंबर आ गया, डेट थोड़ा सा अभी भी मिसिंग कर रहा है और ये थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है। अब हमारे पास स्पेस है यहाँ पे, तो थोड़ा सा गैप यहाँ पे ले सकते हैं। तो स्पेस हमने कैसे कवर करना है, इसको थोड़ा सा आगे कर ले यहाँ पर, मैक्सिमम यहाँ तक ले लें, और ये रसीद नंबर वाला भी जो है यहाँ तक सेट कर दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे अब डेट वाले के लिए काफ़ी स्पेस है, लेकिन फी नेचर के लिए भी चाहिए, तो डेट वाले को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि इसको कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। दोनों को सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर फ्री नेचर फ्री टाइप, ठीक है, ये भी अपनी जगह पे सही है। तो थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, यहाँ पे मंथ के लिए भी थोड़े बहुत स्पेस निकल आया, तो ये इसके साथ हमने ऐसे करके जोड़ दिया। देखना ये है कि हमारा काम वहाँ पे बना या नहीं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल मंथ, ठीक है, तो सिर्फ मंथ लिख के हमने इसको क्लिक किया। और डेटा चूंकि ये सारा का सारा उसमें है, लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है, तो हम इसको एक ही उसमें राइट अलाइन भी कर सकते हैं कि अब यहाँ से हम क्लिक करें और यू करके सारे डेटा को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पे जाएं, सेंटर करें इसको, ठीक है, और इनको सबको बॉटम या ऊपर नीचे अलाइन कर दें। ये देखिए कुछ बेहतर हो गया, ठीक है ना। अब ये फी रिसीव्ड बाय लिखा हुआ है इन वर्ड्स, हालांकि इतना ज़्यादा डिजर्व नहीं करता, तो कम कर दें इसको, सिंपली यहाँ लिख दें RECD रिसीव्ड, शिफ्ट एंटर, तो ये इस तरह से। सेंटर कर दें, ठीक है, तो ये देखें सारा डेटा इस तरह से सेंटर आ जाएगा और ये इस तरह से नजर आ रहा है। इसको भी रिसीविंग डेट लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो डेट भी लिखा जा सकता है, डेट का मतलब डेट ही होता है। ठीक है, फॉर्मेट में जाके इसको हमने सबको अरेंजेस में जाके पोजीशंस में अरेंज रैंक में जाके इसको टॉप कर देते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ सेट हो गए। यहाँ से ये इसका जो हेडर है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि टच कर ले इसको, सेव करते हैं फॉर्मेट में जाके रिपोर्ट व्यू। तो अब देखें डेट भी सही आ गया बिल्कुल, और पता भी चल रहा है कि फीस किस चीज़ की है, मंथली है तो मंथ भी क्लियर आ रहा है सामने, एडमिशन की है तो एडमिशन के आगे नॉट अप्लीकेबल लिखा रहा है मंथ सेक्शन के अंदर, ठीक है, अमाउंट भी क्लियर लिखा रहा है, इन वर्ड्स भी, और जिसने रिसीव किया उसका नाम भी क्लियरली आ रहा है, ठीक है। इसकी क्लास नहीं आ रही है, इसकी क्लास इसलिए नहीं आ रही है कि हो सकता है कि एडमिशन फॉर्म में इसकी क्लास सेक्शन को एंट्री नहीं की गई हो। ये देखिए खाली पड़ा हुआ, तो यहाँ पे हमने मैट्रिक कर दिया, लास्ट स्कूल को हमने ये वाला कर दिया, मॉनिटरिंग को हमने इसकी उर्दू कर दिया, यहाँ पे सिटीज का हमने शुरुआत
सागर सिंध कर दिया, और यहाँ पर हमने इसका, अच्छा ये मैट्रिक पे अगर एडमिट हुआ है तो पास क्लास जो है इसकी नान थी। ठीक है, सारा डेटा डाल के जेंडर इसका मेल कर दिया। जैसे यहाँ पे सेव करेंगे, और अब आप अपना खोलेंगे फीस रजिस्टर, ये देखिए। अब इसका एडवांटेज क्या है? देखिए एडवांटेज तो इसका बहुत जबरदस्त है, डेटा डाल रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा। मतलब आप इसे फीस पे करते जाएंगे बच्चे की, और खुद ही वो रजिस्टर जो है काम करता जाएगा, न्यू फी रजिस्टर। तो यही वाला था, अब ये नहीं था तो इसको डिलीट कर दें, हमारे काम का नहीं है। फी न्यू फी रजिस्टर ये काम का है, हाँ ये है काम का। तो ये देखिए, फिर एक न्यू एंट्री करी आपने, यहाँ से लिया। आप किसने फी पे करी है? फॉर एग्जाम्पल नताशा ने फी पे करी है, ओके। किस चीज़ की एडमिशन फीस है? तो नॉट एप्लीकेबल हो गया, फीस की एंट्री कर दी। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ उसको क्या। और यहाँ पे जाके आपने इसको रिसीविंग पे डाल दिया कंट्रोल एस, फिर एक न्यू एंट्री कर दी। अब फीस किसने पी की है? मोहम्मद इरशाद ने। और यहाँ पे जाके आपने इसको रिसीव कर लिया। फॉर्म को बेहतर बनाने के लिए आप इसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, और इस पे जाके फॉन्ट स्टाइल वगैरह साइजिंग, और इसको थोड़ा और अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए स्टैक कर दें इसको यहाँ पे, ताकि और अच्छे तरीके से नज़र आए। और यहाँ पे नीचे आके थोड़ा सा स्पेस लेके जो बटन्स आपने इन फॉर्म्स पे बनाए थे वही यूज़ किए जा सकते हैं। इनको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, सेव। और फिर यहां से न्यू फी एंट्री करें, अब यहां से आप इसकी रिपोर्ट तक पहुंचने का भी एक बटन ऐड करा सकते हैं। कैसे? राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे तो गुंजाइश नहीं है, हमारे बटन्स को ज़्यादा ही बड़े बना दिए हमने, थोड़ा सा इनको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि एक स्टैंडर्ड साइज के बटन होने चाहिए ऐप्स में, लेकिन चलो मैंने इसको छोटा कर दिया। डेटाबेस टूल्स पर जाएंगे, और यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे डिज़ाइन कंट्रोल्स, यहाँ से लेंगे बटन, ये रहा बटन, क्लिक करेंगे, खुल गया। रिपोर्ट ऑपरेशंस, ओपन रिपोर्ट, तीन ऑप्शन है, प्रीव्यू रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट को ओपन करना है, प्रिंट करना है, सेंड रिपोर्ट टू फाइल करना है। तो हमने कहा ओपन रिपोर्ट करना है, नेक्स्ट। तो कहाँ पे किस नाम से रिपोर्ट है? फिर रिपोर्ट बाय रजिस्टर, और यहाँ पे कहेंगे रिपोर्ट, ठीक है, नेक्स्ट, फिनिश। सिमिलर इससे सा बनाना है इसको, तो यहाँ पे रख के हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इसको। फॉर्मेट ठीक है, सेव कंट्रोल्स, ये से क्लिक किया और ये रिपोर्ट पर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये रिपोर्ट बनाई है बाय रजिस्टर।
मतलब इसमें इस रिपोर्ट के अंदर आपने ये डिसाइड किया कि अगर हर स्टूडेंट का अकाउंट देखना है तो सबके रिकॉर्ड मेंटेन करके दिखाता रहेगा, जैसे जैसे डेटा ऐड होता जाएगा, जैसे जैसे डेटा ऐड होता जाएगा यहाँ पर उसकी एंट्रीज आती जाएंगी या रसीद नंबर बनते जाएंगे, रोल नंबर ये एंट्री रिमेन सेम रहेंगी और ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसमें एक फीचर और भी है इसका, अगर हम उसको थोड़ा डिस्कस करें, जैसे कि जहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट, क्लिक करें इस पे, अरेंजेस में जाएं, फॉर्मेट, पेज सेटर है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है सम का, मतलब टोटल्स के अंदर ऑप्शन आ रहा है सम, आप इसको कर दें सम। तो देखिए इसने इसका सम कर दिया और रिपोर्ट फिल्टर पे इसने आपको डिस्प्ले किया है। इन शॉर्ट के इसने ज़्यादा बड़ा तो नहीं किया, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करते हैं। और इसको फॉर्मेट भी प्रॉपर दे देते हैं, कॉमा स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, ऑलरेडी करेंसी का लगा हुआ था तो वो ज़्यादा बेहतर था, सेव कर देते हैं, क्लोज। अब देखते हैं क्या रिपोर्ट का व्यू बना है। तो देखें इसने अब तक कितनी फीस पे कर दी है, 6,000, और ये कितनी पे कर चुका है, 10,000। यानी कि सारा फीस रिकॉर्ड एक पेज पर आ गया। ठीक है, मैं इसको डिजाइन व्यू पे थोड़ा सा बहुत बड़ा कर दिया तो ये कम कर लेता हूँ मैं। और थोड़ा बॉक्स बड़ा हो गया, थोड़ा सा ये हिस्सा भी बड़ा हो गया। ठीक है, और अब क्या करना है, कोई भी एक लेबल ले ले ऊपर से, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कर दें कंट्रोल, इस वाले क्लिक करें कंट्रोल वी, यहाँ पेस्ट हो गया। ठीक है, टोटल फी रिसीव, कि अब तक कितनी फीस इसकी रिसीव हो चुकी है वो एंट्री भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल अभी तक ये 6,000 पे कर चुका है, ये भी 6,000 पे कर चुका है, ये 6,000, ये 3,500, ये 3,500 पे कर चुका है, और रिपोर्ट के लास्ट में टोटल अब तक कितनी फीस मिल चुकी है, 19,000। ये भी साथ में आप इसको भी, ये इसने ऐड किया है कहाँ पे जाके, रिपोर्ट के फुटर में, यहाँ पे जाके आप इसको भी सेट कर लें। इसके बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दें इसके तरीके से, जैसे इसको बड़ा किया इतना बड़ा उसको भी कर दें। और ये वाला उठा के कॉपी करके अब यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर दें, थोड़ा सा सेंटेंस सही कर लेते हैं अपना, यहाँ पे लिख लेते हैं अलाइनमेंट राइट करते हैं, टोटल फी रिसीव यहाँ पे कर देते हैं, रिपोर्ट व्यू पे देखते हैं। अब हर किसी की अलग अलग भी आ रही है और यहाँ पे टोटल की एंट्री भी आ रही है, डेट भी मेंशन हो रही है सारी की सारी। ठीक है ना,
इस पर मेहनत होगी, अब देखेंगे बेहतरीन किस्म का जो है। हाँ वो भी ठीक है। इसी तरह से आप इसी क्यूरी के जरिए, ये वाली क्यूरी देखते हैं, ये वाली क्यूरी, इसके जरिए जैसे मैंने बनाई है बाय जी आर नंबर, यानी कि रियल नंबर, अब ये डेटा जो आ रहा है ना हमारा बाय स्टूडेंट आ रहा है, आप बाय रिसीव नंबर भी बना सकते हैं, ठीक है ना, आप बाय रिपोर्ट बना सकते हैं क्लास, मतलब कौन सी क्लास की कितनी फीस कलेक्ट हुई है, बाय रिसीव नंबर बनाएंगे तो हर रसीद नंबर पे किस स्टूडेंट ने फीस पे की है, लेकिन बाय रिसीव नंबर में समझते हो इतना कोई नहीं, क्योंकि एक रसीद पे तो एक ही एंट्री आनी है ना, तो उसमें हमें इतना आसानी नहीं होगी। हाँ ये एक अच्छा हो सकता है मामला कि जैसे कि बाय क्लास, भाई किस क्लास ने कितनी फीस पे की, जैसे भाई अब ये 9th क्लास है, इनकी टोटल कितनी फीस जमा हुई, मैट्रिक वालों की कितनी फीस जमा हुई, उसके हिसाब से हम बना सकते हैं कि ऊपर लिखा है मैट्रिक क्लास के सारे स्टूडेंट्स के नाम और फिर उनकी फीस जो जो पे करते गए, ताकि भाई मिसाल के तौर पे अगर हमें ये जानना है कि कितने स्टूडेंट जो हैं मैट्रिक क्लास के जिन्होंने फीस दी है, तो अभी तो हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं है, 9th का भी कोई पता नहीं है, जब हम इस तरह से रिपोर्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे सबका आ जाएगा डेटा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह से कंप्यूटर्स में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स बन रही होती हैं और चीज़ें हो रही होती हैं और वो हमें इस तरह से दिखाई दे रही है।